पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र शांतनु गंगा से विवाह करे। और जब शांतनु ने गंगा की मनमोहक खूबसूरती को देखा तो उनसे रहा नहीं गया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया उनके सामने। और गंगा की शर्त कि उनके किसी भी कृत्यों पर प्रश्न नहीं उठाया जाए, ये भी मान लिया। दूसरों की इच्छा और अपनी लालसा से प्रभावित होकर शांतनु ने निर्णय लिया, जैसे हम में से कई अपनी लोभ और लालसा से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। जब लोभ हमारी भावनाओं पर हावी होता है तो हमारी आंखों पर पट्टी बन जाती है और हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम खुद को भी नहीं देख पाते। नमस्ते, मैं सुष्मिता इस भाग में लेकर आई हूँ गंगा और शांतनु के कहानी की अगली कड़ी। शांतनु और गंगा वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रहे होते हैं और तभी गंगा के गर्भवती होने का शुभ समाचार सभी को मिलता है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है तो गंगा उसे नदी तक लेकर जाती है और डुबा देती है। शांतनु को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में कैसे डुबो दिया। शांतनु का हृदय फट रहा था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि अगर उन्होंने गंगा से कोई भी प्रश्न किया तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। के बाद गंगा ने एक एक करके सातों बच्चों को नदी में डुबो दिया। शांतनु चुप रहे। जब आठवीं संतान को गंगा डुबोने गई तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, अब ये निर्दयता बंद करो, इसे मत मारो। गंगा ने शांतनु की तरफ देखा और वो मुस्कुराई और कहा, स्वामी आपने अपना वचन तोड़ा है और इसलिए मुझे भी आपका त्याग करना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताते जाऊंगी कि क्यों मैंने इन सात बच्चों को डुबोया। ये आठ बच्चे आठ वासुओं का पुनः जन्म थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वो मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और मनुष्यों के सारे कष्टों को सहेंगे। वासुओं के अनुरोध पर मैंने उनकी माता बनना स्वीकार किया और मनुष्य योनि के कष्टों से बचाने के लिए मैंने उन्हें बहुत कम समय तक भूमि पर रहने दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आठवें शिशु को नहीं बचा पाई। उन्होंने शांतनु को बताया कि जिस आठवें बच्चे को उन्होंने बचाया है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होगा। पुरुष होने के बावजूद ना तो वो विवाह कर पाएगा और ना ही शांतनु का उत्तराधिकारी बन पाएगा। उसका अपना कोई भी परिवार नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद उसे गृहस्थ की तरह रहना पड़ेगा। शांतनु ने अकड़ से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। गंगा ने कहा, देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी और उसका लालन पालन करूंगी और जब वो राजा बनने के लायक हो जाएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये कहकर गंगा वहां से चली गई और शांतनु अकेले रह गए। ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हर चीज़ जो हम अच्छा समझकर करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा हो। कभी कभी परिणाम विपरीत भी हो सकता है। जैसे शांतनु द्वारा गंगा का उसकी आठवीं संतान की हत्या करने से रोकने पर होता है। अब उस बच्चे को धरती पे जीवन क्या होता है समझना पड़ेगा। देवलोक जहाँ सिर्फ सुख है और उसके विपरीत मनुष्य योनि जहाँ सुख और दुख दोनों ही है उसे भोगना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको गंगा पुत्र भीष्म की कहानी बताएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।